मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टारगेट विद आलोक के ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से मैं पंडित अमरेश भट्ट आप सभी का अभिनंदन करते हूँ। मैं आज एक नए बैच पर बात करूँगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण बैच है। वह बैच होगा सीटेट का, वह बैच है सीटेट का। आज हम इस पर बात करते हैं। हर एक व्यक्ति लॉकडाउन लगा, कोरोना काल आया, कोविड-19 के प्रयोग से यह समय विश्रांत में रहा। कोविड-19 इसके बारे में आप लोग भलीभांति जानते होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो अनुभव किया, थोड़ा सा वो अनुभव आपको बताता हूं। इसमें हर एक वर्ग यह व्याकुल था कि हम कैसे अपने अपने व्यवसाय में वापस आए, चाहे वो उद्योगपति हो, कोई पूंजीपति हो, या कोई अपने शॉप वाला हो जो खोला हो, जिस व्यवसाय में औरत हो, जिस व्यवसाय में वह हो, वह कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ दिन तो ठीक है, पहला लॉकडाउन लगा तो वो कहा कि ठीक है, लेकिन दूसरे लॉकडाउन, तीसरे लॉकडाउन, चौथे लॉकडाउन, यानी अन्य लॉकडाउनों में अब वो अपने कर्म क्षेत्र की तरफ जाने के लिए उतावला होने लगा, व्याकुल होने लगा कि कैसे बाजार खुले, हमारी अर्थव्यवस्था चले, तमाम बातों पर वो सोचने लगा। इसमें मैंने जो देखा, सिर्फ एक वर्ग अपने कर्म क्षेत्र में कुछ ही लोग थे और कुछ ही लोग उसमें रत थे, हालांकि वह क्षेत्र खुला हुआ था, वह क्षेत्र, वह वर्ग था विद्यार्थी वर्ग का। विद्यार्थी वर्ग कहीं ना कहीं थोड़ा सा वह इस चीज को, अपने कर्म को गौण कर दिया था, लेकिन पुनः वापस आया है। विश्रांत काल का समय था, विश्रांत में हम लोग चले गए थे, कोई बात नहीं है, लेकिन अब से यह ना सोचा जाए कि हमारे फॉर्म आएंगे, हमारा एग्जाम डेट घोषित होगा, ये मानकर चलिए कि हमारी तैयारी जो है, हमारे अपने तैयारी को हमको अनवरत करना है, तो अनवरत करना है और तब तक करना है कि जब तक हमको सफलता न मिल जाए। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सभ्य आहित, अगर कृत कार्य दाहिने हाथ में है तो बाएं हाथ में विजय अपने आप मिल जाती है। हम ज्यादा समय न लेकर के इस सीटेट के मूल विषय पर आते हैं, जिसका अन्य विषयों के साथ साथ जो एक विषय है, प्रमुख विषय है, उस पर हम बात करते हैं। वह विषय है हिंदी का, यानी हम बात करते हैं हिंदी विषय पर। तो यहां पर ये देखते हैं कि पहली चीज, अगर हिंदी को हमको समझना है, हिंदी के बारे में जानना है, तो कुछ बेसिक बातों को हमको जानना पड़ेगा। पहला यह कि हिंदी का आगमन कहां से हुआ, तब जाकर के इसके आधार पर हम बात करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वह है हिंदी की मूल अवधारणा, हिंदी का जो बेश है वह है अक्षरमाला, उस पर हम बात करते हैं। लेकिन थोड़ा सा 2-4-5 मिनट हम आपका समय लेंगे किसके बैकग्राउंड में जाने के लिए, तो शायद यह चीजें जो अक्षरमाला है या वर्णमाला है, यह ज्यादा आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो पहली चीज, हम हिंदी पर आपसे बात करें, तो हिंदी पर बात करते हैं तो ये देखते हैं कि हिंदी का आगमन कैसे हुआ, यानी पहला ही हमारे मानस पटल में आ जाना चाहिए कि हिंदी कहां से आई,
किस भाषा के शब्द है, तो पहले ही आपको बता दे रहे हैं कि हिंदी मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। इसके अतिरिक्त अब ये आई कहां से, इसकी थोड़ी सी हम विकास यात्राओं पर बात कर लेते हैं। यानी यहां पर हम बात करते हैं और ये देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम भाषा की बात करें तो हमको संस्कृत मिलता है भाषा के रूप में, यानी पहली भाषा कौन सी मिलती है, संस्कृत मिलती है। संस्कृत को देव भाषा भी कहा जाता है, संस्कृत को प्राचीन भाषा भी कहा जाता है, संस्कृत को क्लासिकल भाषा भी कहा जाता है और संस्कृत को भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। यानी तमाम उपाधियां किसकी हैं, संस्कृत की हैं। अब यहां पर ये देखते हैं कि संस्कृत में जो लिखा गया है, सबसे पहले जो ग्रंथ लिखा गया वह ऋग्वेद लिखा गया। यानी ऋग्वेद के बाद तमाम जो वेद हैं, जो पुराण हैं, जो आरण्यक हैं, जो उपनिषद हैं, उसको लिखा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इस प्रकार से लिखे जाते हैं। उपनिषद भी लिखे जाते हैं, आरण्यक भी लिखे जाते हैं, लेकिन ऋग्वेद में पहली बार संस्कृत को लिपिबद्ध रूप में हमको देखने का मिलता है। अब यहां पर जब संस्कृत की बात आई तो कालांतर में धीरे धीरे परिवर्तित हुई भाषा, और परिवर्तित होकर के किस में आ गई, पाली भाषा में आ गई। यानी संस्कृत से हम कहां गए, पाली भाषा में गए, और पाली भाषा को प्रथम देशीय भाषा या प्रथम देश भाषा कहा गया। तो यानी पाली भाषा को क्या कहा जा रहा है, प्रथम देश भाषा के नाम से भी जाना जा रहा है। तो अगर ये क्वेश्चंस पूछा जाए कि प्रथम देश भाषा कौन सा है या प्रथम देशीय भाषा कौन सा है, तो कौन सा होगा, पाली होगा। संस्कृत से जो परिवर्तन होता है वो पाली भाषा में होता है, पाली से जो परिवर्तन होता है वो प्राकृत में होता है, प्राकृत से जो परिवर्तन होता है अपभ्रंश में परिवर्तन होता है, और अपभ्रंश से अवहट्ट में, अवहट्ट से हिंदी में एक परिवर्तन हो जाता है। लेकिन ये जो परिवर्तन का रूप चल रहा है यह धीरे धीरे चल रहा है, यह समयानुसार चल रहा है, समय की मांग है, और उसी अनुरूप हम धीरे धीरे परिवर्तित होते चले आ रहे हैं। तो जो परिवर्तन का क्रम चला, यानी जो हमारा यहां पर हम हिंदी तक पहुंचे, वह हिंदी तक कैसे, यानी जो समय अगर हम एक निर्धारित करें तो लगभग में 1500 से लेकर, यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के और 1000 ईसा पूर्व तक, कितना, 1000 ईसा पूर्व तक यह वैदिक संस्कृत चलता है। संस्कृत को दो भागों में विभाजित किया गया है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, इस रूप में विभाजित किया गया है। इसके बाद से 1000 से लेकर के 500 तक, यानी ये यहां तक क्या चला है, वैदिक संस्कृत चला है, और 1000 से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक यह लौकिक संस्कृत चला है। यानी दो संस्कृत है, इस पर बात किया जाएगा, वैदिक संस्कृत पर भी और लौकिक संस्कृत पर भी। इसके बाद हम आते हैं पाली भाषा पर आते हैं, तो पाली भाषा का जो निर्माण होता है, जो निर्धारण होता है पाली भाषा का, वह 500 ईसा पूर्व से लेकर यह 1 ईस्वी तक होता है। यानी 1 ईस्वी तक यह चलता है। इसके बाद से हम प्राकृत में परिवर्तन होते हैं, तो प्राकृत में जो परिवर्तन होते हैं वह 1 ईस्वी से लेकर जो हम चलते हैं वह 500 ईस्वी तक यहां प्राकृत भाषा चलता है, और पुनः 500 से लेकर 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश का कार्य चलता है, और पुनः 800 ईस्वी से लेकर
लगभग 1100 ईस्वी तक यह अवहट्ट का काल चलता है, और हिंदी को जो काल है इसका जो निर्धारण विभिन्न यानी भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार किया है, लेकिन एक सामान्य कॉन्सेप्ट पे यह लगभग 1050 ईस्वी से यह प्रारंभ होता है और यह अब तक चलता है। यानी यहां तक जो है एक कार्यकाल होता है हिंदी तक आगमन के। तो यहां संस्कृत से हम पाल में, पाल से प्राकृत में, प्राकृत से अभ्रंश में, अभ्रंश से अवहट्ट में, अवहट्ट से हम हिंदी में पहुंचते हैं। तो ये हमारा धीरे धीरे क्या हुआ, परिवर्तन हुआ और हम हिंदी तक पहुंच गए। अ हिंदी नामकरण की जब बात आई तो हिंदी नामकरण के बारे में हम एक अलग क्लास लेंगे कि कैसे हिंदी का नामकरण हुआ, किस प्रकार से हिंदी पढ़ी और क्यों यह फारसी भाषा की शब्दावली हुई, किसी अलग क्लास में। आज हम थोड़ा सा हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं, हिंदी के बेस के बारे में बात कर रहे हैं, अक्षरमाला के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए केवल हम यहां तक पहुंच रहे हैं। अब यहां पर आप ये देखिए कि ये तो समय हुआ, भिन्न भिन्न विद्वान अपने अपने अनुसार इसको एक निर्धारित की, ओवरऑल हम एक कंपाइल करके देख सकते हैं कि लगभग इतने के बीच में इतना यह काल चला है। ये जो अवहट्ट है, ये जो है संक्रमण काल है, यानी दोनों में यह चल रहा है, कुछ हिंदी में भी जा रहा है, कुछ अभ्रंश में भी जा रहा है, तो इस संक्रमण काल की भाषा कही जाती है। तो अब यहां पर जब हम हिंदी में आ गए, अब इसी हिंदी को जब हम साहित्य आपको पढ़ाएंगे, तब इस हिंदी का हम क्या करेंगे, विभाजन करेंगे, और वह विभाजन किस में करेंगे, हम इसी हिंदी को चार भागों में विभाजन करेंगे। वह जो विभाजन होगा वह आदिकाल के रूप में होगा, भक्ति काल के रूप में होगा, रीति काल के रूप में होगा और आधुनिक काल के रूप में होगा। यानी वहां पर जब हम साहित्य पढ़ाएंगे तो साहित्य में हम आपको यह चार काल पढ़ाएंगे, और इस चार कालों के अंतर्गत जो आपकी रचनाएं आती हैं, जो कवि आते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आदिकाल के बारे में भी बात किया जाएगा कि किस कैसे नामकरण इसका पड़ा, किसने आदिकाल कहा, किसने बीज बपन काल कहा, किसने सिद्ध सामंत काल कहा, किसने वीर गाथा काल कहा, ये सब पर बात होगी। भक्ति काल में भी आएंगे, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, सगुण निर्गुण की हम बात करेंगे, इस पर बात करेंगे। रीति काल में रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध के बारे में बात करेंगे। आधुनिक काल में जब हम आएंगे, जिसको हमने लिखा है अब तक, यानी इसको हम आद्य तक भी लिख सकते हैं, यानी यहां जो है इस पर हम बात करेंगे कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये जो चला है इसके अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, रचनाएं उनकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण हैं, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो कि जो पूछी जाती हैं, यानी उस पर भी हम बात करेंगे। तो एक अभी हम विकास के क्रम में पहुंचे हिंदी तक। अब यह जो हिंदी है यह किस पर टिकी हुई है, तो पहली चीज हम इसको देखें, यानी किस पर यह टिकी हुई है। तो देखिए हर एक मेजरमेंट होता है हर एक वस्तु का, और उसकी कुछ न कुछ छोटी इकाई होती है। जैसे मान लीजिए समय है, आप घड़ी लगाते हैं, तो घड़ी लगाते हैं तो उसकी भी कुछ न कुछ आधार होगा। आधार क्या है, जो सबसे छोटी इकाई है वह सेकेंड है, उससे भी छोटी क्या है, नैनो सेकेंड है। यानी सेकेंड में ही हम क्या, अभी तक नैनो सेकेंड, या उसको सेकेंड कहिए जो हमारे घड़ी में दिया रहता है, तो सबसे छोटी इकाई के रूप में हम सेकेंड को मानते हैं। जिस पर टिका हुआ है, आधार है, वह मिनट बनाता है और वह घंटा बनाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे क्या हैं, वर्ण हैं, हमारे क्या हैं, अक्षर हैं, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, अक्षर हो गई। और
यह अक्षर जो है अक्षरों से मिलकर शब्द का निर्माण होता है और शब्दों से मिलकर के वाक्य का निर्माण होता है। तो जो ये अक्षर है यानी इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ लें तो कह रहे हैं कि यह जो क्षर, क्षर मतलब होता है नष्ट होना, क्षर मतलब नष्ट होना यानी, और अ मतलब क्या होता है नहीं, इसका अर्थ है जो नष्ट न हो, जो क्षरण न हो वही क्या है अक्षर है, यानी इसका नष्ट नहीं होता है या इसका क्षरण नहीं होता है, अ उपसर्ग लगा करके क्षर में इसका निर्माण किया गया है। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि अब ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसी को कुछ लोग वर्ण भी कहते हैं, तो उस पर भी अभी डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद ने अक्षर या वर्ण में कोई अंतर नहीं किया है, लेकिन अन्य विद्वानों ने इसको, डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर ने भी इसको अंतर किया है, भोलानाथ तिवारी जी ने भी अंतर किया है, इन तमाम लोगों ने अंतर किया है, हम उस पर बाद में जाएंगे। पहले हम मूल बेस पर बात करते हैं कि यह जो है कैसे इस पर टिका हुआ है और कौन कौन से हमारे अक्षर आते हैं या वर्ण आते हैं, अभी इस पर हम बात करें। तो यहां पर ये देखिए कि जो अक्षर है ये कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, पहला है बद्धाक्षर और दूसरा है मुक्ताक्षर, यानी पहला बद्ध अक्षर और दूसरा मुक्त अक्षर। तो बद्ध अक्षर क्या होगा, जिसके जिस शब्द के अंत में व्यंजन आता है उसे हम क्या कहते हैं, बद्धाक्षर कहते हैं। अगर हम कोई शब्द लिखते हैं, मान लीजिए लिखते हैं हम शब्द अहम शब्द लिखते हैं, हमने अहम शब्द लिखा और म के नीचे हमने क्या लगा दिया, हलंत लगा दिया, हमने अच शब्द लिखा, हमने किम शब्द लिखा, अब यहां पर हमने क्या कर दिया, हलंत लगा दिया। तो जब हमारा उच्चारण होगा, जब हमारा प्रोनंसिएशन होगा तो तेजी से होगा, यानी हम ये नहीं कहेंगे अच, नहीं कहेंगे अच, कहेंगे किम कहेंगे, यानी तेजी से। तो जब जिस शब्द के अंत में वर्ण पर हलंत लगा रहता है वह शब्द क्या कहलाता है, बद्धाक्षर के रूप में उसको हम जानते हैं, यानी अंतिम वर्ण जो है वह व्यंजन हो, अंतिम वर्ण स्वर का न हो। दूसरे पर अगर हम आते हैं मुक्ताक्षर की बात करते हैं तो ये कह रहे हैं मुक्त अक्षर है, यानी अंत में जो होगा वह स्वर होगा, अंत में व्यंजन नहीं होगा, यानी प्रत्येक जो वर्ण होगा यानी हर एक शब्द के अंत वाला जो वर्ण होगा, जो अक्षर होगा उसमें स्वर होगा, बिना स्वर के वह नहीं होगा। जैसे अगर मान लीजिए हमने लिखा शहर लिखा, अब यहां पर ये देखिए हलंत इसमें नहीं लगेगा, इसमें शहर में हलंत नहीं लगेगा, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे शहर, यानी र क्या है, पूरा है, इसमें व्यंजन और स्वर का भी मेल है। अगर मान लीजिए हमने कलम लिखा, यह लिखा, तो अब इसमें भी क्या है, पूरा वर्ण है। तो मुक्ताक्षर क्या हुए कि जिन शब्दों के वर्ण में अंत में, जिन शब्द के अंत में स्वर रहता है उसे हम क्या कहते हैं, मुक्ताक्षर, और बद्धाक्षर जिन वर्णों के अंत में व्यंजन केवल रहता है उसे हम क्या कहते हैं, बद्धाक्षर कहते हैं। अब ये जो है इसी पर हमारा बेस टिका हुआ है, तो उस जरा हम बेस पर बात कर लेते हैं। अक्षरों से मिलकर के किसका निर्माण होता है, अक्षरों से मिलकर जो निर्माण होगा वह अक्षर माला का होगा, किसका होगा, अक्षर माला का होगा। अब यहां पर यह देखिए कि हम अक्षर के बारे में जाने, जब नोट है, मान लीजिए आपके पास नोट है, नोटों की गड्डी है, तो जब तक वह एक साथ है तो नोटों की गड्डी बोली जा रही है, जब
मान लीजिए आपके पास मोती है और मोती एक जगह रखे हैं तो मोतियों का ढेर बोला जा रहा है, लेकिन अगर उसी मोती को, अगर उसी नोट को हम एक धागे में गुथ देते हैं, एक धागे में पिरो देते हैं, तो वह नोटों की माला हो जाती है और मोतियों की माला कही जाती है। उसी प्रकार से जब हम अक्षरों को एक क्रमबद्ध तरीके से रख देते हैं तो उसे हम अक्षर माला या उसे ही हम वर्णमाला के नाम से भी जानते हैं। तो अब यहां पर बात यह आती है कि क्या वर्णों को रख दिया जाए तो वर्णमाला होगा या अक्षरों को रख दिया जाए तो अक्षर माला होगा, ऐसा नहीं है। हम अक्षरों को कैसे रखें? व्यवस्थित रखें, सुव्यवस्थित रखें, क्रमबद्ध तरीके से रखें, तभी वह वर्णमाला होगा। जैसे अगर मान लीजिए हमने लिखा क, हमने ग, क ग, ख ग, घ अंग, ऐसा मैंने लिखा, च लिखा, ज लिखा, छ लिखा, झ लिखा, हमने क्या लिखा, इया लिखा, यहां पर ये ग नहीं रहेगा, यानी यहां पर जो है हमने इस प्रकार से लिखा, क ग ख घ अंग, च ज छ झ इया, ऐसा लिखा। अगर मान लीजिए इसी क्रम में हम अन्य भी वर्ण लिखते चले जाएं और ये पूछा जाए क्या यह वर्णमाला है, तो आप कहेंगे नहीं, यानी यह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए यहां पर केवल क्रम परिवर्तन है और कुछ नहीं हुआ है, क्रम परिवर्तन केवल हो गया, तभी भी आप क्या कह देंगे, गलत है, क्योंकि व्यवस्थित नहीं रखा गया है। तो जब तक हम वर्णों के क्रम को व्यवस्थित न रखें तब तक वह वर्णमाला नहीं कहा जाएगा। यानी हमारी जो हिंदी देवनागरी है वह किस पर आधारित है? वैज्ञानिकता पर आधारित है, यानी वह व्यवस्थित है। तो हमारी जो अक्षरमाला है या हमारी जो वर्णमाला है वो व्यवस्थित क्रम में रखी गई है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, यानी क हुआ, फिर ख, फिर ग, फिर घ, फिर अंग, अगर ऐसा लिखा जाता है तभी हम क्या कहेंगे, यह वर्णमाला कहेंगे। अन्यथा वर्णों का क्रम वर्णमाला नहीं होता है, वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला या अक्षरमाला कहलाता है। अब ये पूरा जो अक्षरमाला है यह किस पर, यानी किन से मिलकर के इसका हम विभाजन करें, तो किस किन रूपों में हम विभाजन कर सकते हैं, तो दो रूपों में हम क्या करेंगे, इसका विभाजन करेंगे। तो पहला जो हमारा विभाजन होगा वह विभाजन किस में होगा, स्वर के रूप में होगा, और दूसरा जो विभाजन होगा वह व्यंजन के रूप में होता है। यानी यहां पर अभी देखेंगे कि स्वर और व्यंजन में पूरी अक्षरमाला या वर्णमाला हमारी विभाजित है। तो पहली चीज हम बात करें, स्वरों पर बात करें, तब हम किस पर बात करेंगे, व्यंजन पर बात करेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं स्वर पर चलते हैं। तो अब यहां पर यह देखते हैं कि स्वर, पहली चीज हमारे दिमाग में आना चाहिए कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर किस धातु से बना है, इस पर हम बात करते हैं। तो यहां पर परिभाषाओं की अगर हम बात करें तो परिभाषा में यह देख दिया जा सकता है कि जिन वर्णों का उच्चारण, जिन अक्षरों का उच्चारण अबाध गति से होता है, बिना बाधा के होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो स्वरों की पहली विशेषता हुई कि यह क्या है, बाधाहीन होते हैं, बाधा रहित होते हैं, यानी इसके उच्चारण में बाधा नहीं होता है। इसके अतिरिक्त जो है यह, इनकी प्रवृत्ति जो होती है वह स्वतंत्र प्रवृत्ति की होती है, यानी इनकी सत्ता जो है वह स्वतंत्र है। तो स्वरों की सत्ता, स्वरों की जो बोलने का प्रवाह है वो क्या है, स्वतंत्र होता है, जबकि व्यंजन का नहीं होता है। हम व्यंजन पर बात करेंगे तो उसको हम बताएंगे यहां पर। अब स्वर जो है
किस धातु से बना है? स्वर जो है यह श्वी धातु से बना हुआ है, जो अबाध गति इसका अर्थ होता है, यानी यह अर्थ श्री जो अर्थ देता है, संस्कृत का यह धातु है, यह इसका अर्थ होता है अबाध गति, यानी बाधा न हो। अब इन स्वरों को हमने क्या किया है, विभाजित कर दिया है। तो जो विभाजन है उसको हम देखें कि किस किस रूप में विभाजन किया गया है। तो पहला हम विभाजन स्वर का देखते हैं, उसके बाद से हम अन्य विभाजनों को, स्वरों के अन्य विभाजनों को देखेंगे। पहली हम विभाजन पर अगर हम बात करें तो उस पर हम देखते हैं। तो इसमें पहला विभाजन है मात्रा के आधार पर। पहला जो विभाजन है मात्रा या उच्चारण अवधि के आधार पर, इस पर जो है विभाजित किया गया है। अब यहां पर ये देखिए कि जो मात्रा या उच्चारण अवधि है इस पर जो विभाजन हुआ है वो कितने रूपों में हुआ है। अगर इस पर देखते हैं तो पहला जो होगा वह क्या होगा, हरस्व मात्रा, हरस्व स्वर होगा। दूसरा दीर्घ स्वर होगा। तीसरा संयुक्त स्वर होगा, और संयुक्त स्वर होगा, और चौथा प्लुत स्वर होगा। यहां पर आपको बता दें कि दीर्घ और संयुक्त को दीर्घ स्वर के अंतर्गत ही रखा जाता है। बहुत ऐसे विद्वान हैं कि दीर्घ में भी इसे रखते हैं। बाइफर्केट करके हम इसलिए पढ़ा दे रहे हैं। अभी मैं क्वेश्चंस आपको भी इस पर बताऊंगा कि कैसे पूछा जाएगा, तो यहां पर कौन सा उत्तर दिया जाएगा। यहां स्पष्टीकरण में पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम इसको संयुक्त करके यानी एक करके आपको बता देंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाए, तो कौन सा उत्तर आपको लगाना है। तो पहली चीज हम ह्रस्व स्वर के बारे में, दूसरा दीर्घ, तीसरा संयुक्त, चौथा प्लुत स्वर के बारे में आज पढ़ते हैं। तो यहां पर यह देखते हैं कि ह्रस्व जो स्वर है वो किसे कहते हैं, इसके अन्य नाम क्या क्या हैं। तो पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा इसका एक नाम है आधार स्वर, इसके अतिरिक्त इसका एक और नाम है एकमात्रिक स्वर, एकमात्रिक स्वर। इसके अलावा जो है इसका एक नाम है मूल स्वर। आप ये देखिए केवल ये अलग अलग भिन्न भिन्न क्या है, नाम है। ह्रस्व स्वर, आधार स्वर, एकमात्रिक स्वर या मूल स्वर, बात एक ही है। अब क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपसे अभी तक क्या पूछता था, केवल ह्रस्व स्वर पूछ ले जाता था। यहां पर अब वो ऐसा नहीं दे सकता है निम्न में से कौन ह्रस्व स्वर है, ऐसा हो सकता है कौन आधार स्वर है या कौन मूल स्वर है या कौन एकमात्रिक स्वर है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसके भिन्न भिन्न नाम है। अब यहां पर कौन कौन से ऐसे स्वर हैं जो इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो पहली चीज अगर उसको हम देखें तो हमको मिलेगा अ मिलेगा, इसके बाद छोटी ई, फिर छोटा ऊ और री मिलेगा। इन चार स्वरों को हम मूल स्वर कहते हैं। इन चार स्वरों को हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ह्रस्व मतलब होता है छोटा होता है, ह्रस्व का मतलब छोटा होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों पर पूरा स्वर टिका हुआ हो, वह हमारा आधार हो, हमारा नींव हो, तो उसे हम आधार स्वर कहते हैं। यानी यही ऐसे स्वर हैं जिस पर पूरा स्वर टिका हुआ है, पूरा स्वर क्या है, आधारित है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, आधार स्वर के नाम से भी जानते हैं। एकमात्रिक स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी मात्राएं एक होती हैं। जब हम आपको छंद पढ़ाएंगे तो वहां छंद में लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा आएगी।
एक मात्रा और दो मात्रा आएगी। तो जिन स्वरों की एक मात्रा होती है उसे हम एक मात्रिक या ह्रस्व वहां पर या लघु जो है मात्रा कहते हैं। छंद में इसको हम बताएंगे, आपको क्लियर करेंगे, लेकिन यहां पर जानिए इनकी एक मात्रा होती है इसलिए इसे एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। मूल स्वर यानी जो हमारा मूल है उसी से अन्य स्वरों का निर्माण हुआ है इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। यानी कि चाहे आप कह कुछ भी लीजिए, रहेंगे यही चार रहेंगे। तो सबको हम इस प्रकार से नाम देते हैं। इसके अलावा इसके बाद जो आते हैं वह आते हैं दीर्घ स्वर पर, आते हैं किस पर आते हैं, दीर्घ स्वर पर। इसको हम बड़ा स्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका इसमें जो स्वर आते हैं वह तीन स्वर शामिल किए जाते हैं। आ को शामिल किया जाता है, बड़ी ई को शामिल किया जाता है और बड़ा ऊ को शामिल किया जाता है। इसको दीर्घ स्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। यहां पर ये देखे इसका जो निर्माण हो रहा है वह औधन ओ से हो रहा है। इसका जो निर्माण हो रहा है यह ई धन ई से हो रहा है। इसका जो निर्माण हो रहा है ऊ धन ऊ से हो रहा है। एक ही स्वर को दो बार बोला जाए तो स्वाभाविक रूप से दो गुना समय लगेगा इसलिए इसको हम दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। अ अ मिलकर के आ का निर्माण, ई ई मिलकर के ई का निर्माण, ऊ मिलकर के ऊ का निर्माण होता है। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो गई, तीन हो गई। अब यहां पर आपको चार मैंने ह्रस्व स्वर पढ़ाया, तीन आपको दीर्घ स्वर पढ़ाए। इसके अतिरिक्त अब जो आते हैं हम संयुक्त स्वर पर आते हैं। किस पर आते हैं, यानी यहां पर जो स्वर शामिल होते हैं उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं और इसमें ए को शामिल किया जाता है, ए को, ए को शामिल किया जाता है, ओ को शामिल किया जाता है और अ को शामिल किया जाता है। ये जो चार स्वर हैं इसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। ऐसा क्यों, क्यों हम इसको संयुक्त स्वर कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण जो है वह दो भिन्न भिन्न स्वरों से होता है। दो भिन्न भिन्न स्वर से ए का जो निर्माण होता है वह औधन ई से होता है, ए का जो निर्माण होता है औधन ए से होता है, ओ का निर्माण जो होता है औधन ऊ से होता है और अ का निर्माण औधन ओ से होता है। आप बेसिक स्तर से समझते हुए चलिए, धीरे धीरे चलिए, लेकिन पूरा एक बार में क्लियर कॉन्सेप्ट आपका हो जाना चाहिए। यहां पर ये देखिए, यहां पर दो स्वर है, एक अ है और एक ई है। यहां पर भी क्या है, अ है, ए है, अ है, ऊ है, अ है, ओ है। इन दोनों के मिलन से एक तीसरे स्वर का निर्माण हो रहा है इसलिए इसे हम क्या कह दिए, संयुक्त। यानी दो स्वर मिले तो हम क्या कह दिए, संयुक्त कह दिए, और स्वर मिल रहे हैं इसलिए संयुक्त स्वर हो गया। आपके जहन में एक प्रश्न आना चाहिए कि सर इसके पहले भी तो दीर्घ स्वर में भी तो दो स्वर मिल रहे हैं, दीर्घ स्वर में भी आपको हम दिखावें, वहां भी तो हमने कहा था कि इसमें दो स्वर मिल रहे हैं। यहां पर देखिए अ अ मिल रहा है, ई ई मिल रहा है, ऊ ऊ मिल रहा है, तो इसको क्यों नहीं आप दीर्घ स्वर कहे, संयुक्त स्वर कहे, क्यों इसको आप दीर्घ स्वर कह रहे हैं और जबकि वहां पर आप क्या कह रहे हैं, संयुक्त स्वर कह रहे हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि मिलन का रूप देखिए।
संयुक्त किसे कहते हैं, दीर्घ किसे कहते हैं, ये जान लीजिए। उदाहरण के स्तर पर हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि यह बाटल है, बाटल है, एक बाटल यह लाल रंग है, एक बाटल लाल रंग लिए, एक ऐसा बाटल ले लिए जो मान लीजिए इसको भी बाटल मान लीजिए हमारे लेखनी को, एक बाटल काला रंग ले लिए, ब्लैक रंग ले लिए। अब ये दो भिन्न भिन्न रंग हैं और इन दोनों रंगों को मिक्स कर दीजिए, तो जब मिक्स करेंगे तो यह एक अलग रंग का निर्माण कर लेगा। यानी ये नहीं है कि केवल एक ही रंग, अब इसका यह बनेगा कितना, दो बाटल बनेगा, लेकिन यह अलग रंग का निर्माण कर लेगा। इससे आसान भी हम और समझाते हैं आपको। देखिए, गंगा, आपने संगम का नाम सुना होगा। गंगा संगम में होता क्या है कि गंगा नदी एक तरफ से आई, मान लीजिए कि गंगा नदी में एक तरफ से गंगा नदी आ रही है और एक तरफ से गंगा नदी ही आकर के पुनः मिल जा रही है, और मान लीजिए गंगा नदी आई और पुनः यहां से क्या हुई, गंगा नदी आ गई और गंगा नदी आगे बढ़ गई, तो ये जो मिलन होगा वह गंगा नदी का ही मिलन होगा, बस धाराएं क्या है जो पतली पतली हैं यहां पर क्या हो जाएंगी, मोटी हो जाएंगी, यानी दीर्घ हो जाएंगी, ज्यादे हो जाएंगी, यही तो होगा। तो ये क्या हो गया, दीर्घ हो गया। तो अभी तक जो हमने पढ़ा दीर्घ स्वर में, वह स्वरों का समान स्वर मिल रहा है, यानी अ ही मिल रहा है तब आ का निर्माण हो रहा है, ई मिल रहा है तभी भी बड़ी ई का निर्माण हो रहा है, उ मिल रहा है तो बड़ा उ का निर्माण, यानी समान स्वर जब मिलते हैं और जिन वर्ण का, जिन स्वरों का निर्माण होता है तो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। यहां पर क्या है, असमान स्वर मिल रहे हैं। अब यहां पर देखिए, मान लीजिए कि यहां पर जो है इधर से गंगा नदी आई, यहां पर देखिए इधर से गंगा नदी आए और इधर से क्या है, यमुना नदी मान लीजिए आई और आगे बढ़ी, तो ये जो मिलन का बिंदु है इसे हम क्या कहेंगे, संगम कहेंगे। और यानी ये निर्माण हुआ जहां पर, कौन सा बचा है, प्रयागराज आपका बसा हुआ है, तो ये संगम हुआ। तो अब ये जो है दो भिन्न भिन्न नदियां मिल रही हैं। इसी प्रकार से जब दो भिन्न भिन्न स्वर मिलते हैं और मिल करके एक तीसरे स्वर का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। यानी अ एक भिन्न स्वर है, ई एक भिन्न स्वर है, ए भिन्न स्वर है, अ भिन्न स्वर, उ भिन्न स्वर, इस प्रकार से क्या है, भिन्न स्वर मिल रहे हैं। तो जब दो भिन्न भिन्न स्वर मिल करके एक तीसरे स्वर का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, चार होती है। ये हमारे हो गए संयुक्त स्वर। अब मैंने आपको ये बताया कि एक स्वर और होता है, वह स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर होता है, प्लुत स्वर। अब यहां प्लुत स्वर की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या ये काउंट किए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। हमारे यहां जो प्लुत स्वर है ये संस्कृत की देन है। मैंने आपको भाषा पढ़ाया और ये बताया कि हिंदी की भी उत्पत्ति जो होती है, हिंदी जो निकलती है वो संस्कृत से ही निकलती है, तो यानी यहां प्लुत स्वर जो है वो संस्कृत की ही देन है, संस्कृत में इसका प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी में भाषा में प्रवाह लाने के लिए, भाषा को उन्नत बनाने के लिए, भाषा को स्पष्ट बनाने के लिए प्लुत स्वरों का कहीं कहीं प्रयोग कर दिया जाता है। क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह देवनागरी की विशेषता होती है कि जो बोलें वह लिखें और जो लिखें वह बोलने की क्षमता है, इसमें अन्य भाषाओं में आपको नहीं मिलेगा। आप देखिए संस्कृत में, इसीलिए संस्कृत को संयोगात्मक भाषा, संयोग की भाषा कहते हैं, हिंदी को वियोग की भाषा कहते हैं, हम इसको बारे में बताएंगे। अगर कभी पूछा जाए हिंदी कैसी भाषा है, संयोग की भाषा है, वियोग की भाषा है,
कैसी है, तो आप ये समझिए वियोग की भाषा है। संस्कृत क्या है, संयोग की भाषा है, यानी संश्लिष्ट भाषा है, और हिंदी जो है ये विश्लिष्ट भाषा है। इस पर भी बात हम करेंगे। यहां पर हम प्लुत स्वर की बात करते हैं, तो प्लुत स्वर को हम चिह्नित किसे करते हैं, या तो हिंदी के तीन से चिह्नित करते हैं, नहीं तो अंग्रेजी के यस से चिह्नित करते हैं, यानी इससे हम क्या करते हैं, चिह्नित करते हैं। अब यहां पर इसका जो प्रोनंसिएशन होता है यह दीर्घ स्वर से भी अधिक होता है, यानी तीन गुना का समय लगता है, उससे अधिक समय लग सकता है, इसको हम प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं। अब यहां पर ये देखिए भाषा को समृद्ध कैसे बना रहे हैं, भाषा को स्तरीय कैसे बना रहे हैं। इसलिए बना रहे हैं कि जब मैंने कहा कि भाषा की अस्पष्टता ही भाषा की जान होती है, हम कितने उन्नत है हमारी भाषा यह बात बताएगी। तो जो हम लिखें वह हम बोलें, और जो बोलें वह लिखना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कि हमने मेढक को, आप सुने होंगे कि मेढक कैसे बोलता है, टर्र बोलता है, आपने मेढक को सुना होगा, तो आप देखे होंगे कि टर्र के बाद जो है यह ऐसा यस की तरह बना रहता है। इसका अर्थ यह हुआ कि टर रॉ के बाद अभी कंटिन्यूटी बरकरार है, वहीं पर हम यहीं पर ब्रेक नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कमल लिखा, तो कमल के बाद लॉ के बाद हमने यह कंटिन्यूटी बरकरार नहीं की, यहीं पर रोक दिया है, लेकिन टर के बाद यह क्या है, अभी कंटिन्यूटी चल रही है। तो इस कंटिन्यूटी को कैसे हम व्यक्त करें, अगला कैसे जानेगा कि अभी ये कंटिन्यू है। आप शंख बजाते हैं, तो शंख बजाने को अगर मान लीजिए आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे। अब आप मान लीजिए कि पू ऐसे करता है तो इसी तरह होगा नहीं, अब पू के आगे क्या लगेगा, आप कंटिन्यूटी यहां बरकरार दिखाएंगे तभी ऐसा हो पाएगा, तभी यह उन्नत हो पाएगा। यानी यहां पर अभी ये चल रहा है, यानी बज रही है शंख, तो हमने क्लियरिटी बताया, स्पष्ट बताया कि अभी ये कंटिन्यू चल रहा है। तो प्लुत स्वरों का प्रयोग क्या होता है, अधिक यानी अभी चल रहा है इसको व्यक्त करता है। इसके अतिरिक्त नाटक के संवादों में इसका प्रयोग होता है, गायन की परंपराओं में इसका प्रयोग होता है। जब हम गीत होता है, आप सामवेद की परंपराओं को उठा लीजिए, सारेगामा पा धा निशा सा नि धा पा मा गा रे सा, उसको उठा लीजिए, डबल में सा सा रे रे गा गा, इस प्रकार से सारेगा, फिर आप दो दो तीन तीन चार चार का लेकर के चलेंगे, तो आप क्या है उतार चढ़ाव होते हैं, हर एक वर्ण की फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी पर उस आवृत्ति पर उसका क्या होता है, उच्चारण होता है। ये नहीं है कि सभी आवृत्तियां बस बराबर है, जिस प्रकार से कौ बोली उसी प्रकार से ख, उसी प्रकार से ग, उसी प्रकार से घ, ऐसा नहीं है। हर एक वर्णों की अलग अलग क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, हर तारत्व होता है, आवृत्ति अलग अलग होती है, उस पर बोला जाता है, और उतार चढ़ाव उसी में लय बनता है जो छंद में काम आता है आपको, यानी लयात्मक रूप बनता है भाषा का, वहां पर यह काम करता है। अब बहुत से गाने ऐसे सुने होंगे जिसमें उतार चढ़ाव होता है, तो उस उतार चढ़ाव को यह क्या करता है, व्यक्त करता है। आप एक शब्द बड़ा फेमस शब्द सुने होंगे, ओम शब्द सुने होंगे, क्या सुने होंगे, ओम। अब ओम को लिखा कैसे जाता है, ओ और हिंदी का तीन आप देखिएगा और म ऐसे लिखा जाता है, अगर नहीं देखे हो अब आपको कहीं मिल जाएगा। तो क्यों ऐसा लिखा जाता है, क्योंकि ओ के बाद अभी क्या है, खिंचावट है, ओ के बाद अभी कंटिन्यूटी है, आप बोलते ओम ऐसे बोलते हैं, तो ओ के बाद अभी हम कुछ देर तक रुक रहे हैं तब जाकर के म बोल रहे हैं, इसलिए यहां पर इस तीन के चिन्ह को भी हम इस प्रकार से लिख देते हैं। और ये जो हिंदी का तीन है यह किसको चिन्हित करता है, प्लुत स्वर को बताता है। तो ये सिर्फ भाषा को उन्नत बनाने का, भाषा को स्पष्ट बनाने का कार्य करता है, न कि हिंदी स्वरों में इसकी काउंटिंग होती है और न गिना जाता है।
अब हम आते हैं स्वरों के कुल संख्याओं पर बात कर लेते हैं कि कुल संख्या स्वरों की कितनी होती है। तो अब ये देख लें कि कौन कौन से हम स्वर आपको बताए हैं। अब यहां पर देखिए, तो पहली चीज हमने क्या बताया, चार आपके ह्रस्व स्वर बताया, एक दो तीन चार, यानी ह्रस्व स्वर की संख्या चार। इसके बाद दीर्घ स्वर की संख्या तीन, इसके बाद संयुक्त स्वर की संख्या चार, प्लस स्वर की संख्या है ही नहीं, तो चार तीन सात, सात चार ग्यारह, कुल स्वरों की संख्या कितनी हो गई, ग्यारह हो गई। अब यहां पर एक चीज और आप देख लीजिए, एक स्वर आपको और मिल जाएंगे, वह स्वर होते हैं, उसको कहते हैं संधि स्वर, कहते हैं संधि स्वर, कहते हैं आप संधि स्वर को मिश्रित स्वर भी कहा जाता है, ऐसा भी कुछ लोग कह देते हैं। लेकिन संधि स्वर में क्या होता है, दो को जोड़ दिया जाता है, स्वर वही है, ग्यारह ही स्वर रहेंगे, अब इससे अधिक नहीं होंगे। तो दीर्घ स्वर को, यानी दो को हमने जोड़ा, दीर्घ स्वर को और संयुक्त स्वर को हमने जोड़ दिया, और इन दोनों को जोड़ करके, यानी तीन दीर्घ स्वर चार संयुक्त स्वर, इन दोनों को जोड़ करके यह कितने हो जाते हैं, सात हो जाते हैं। तीन प्लस चार यानी बराबर क्या हो जाएंगे, सात हो जाएंगे। तो संधि स्वरों की संख्या कितनी हो गई, सात हो गई। ये केवल नाम है संधि स्वर, क्यों नाम पढ़ा, क्योंकि दीर्घ स्वर संधि और संयुक्त स्वर संधि में संधि हो रही है, वर्णों का मेल हो रहा है। संधि पढ़ाएंगे तो आपको जिक्र इसका करेंगे और वहां पर भी इसको मैं बताऊंगा। यहां पर ये जानिए कि वर्णों का मेल हो रहा है, स्वरों का मेल हो रहा है, इसलिए इसे हम संधि स्वर के नाम से भी जानते हैं। तो अब यहां पर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, चार। ऑप्शन मान क्वेश्चन पूछ लिया गया दीर्घ स्वर कितने होते हैं, और ऑप्शन आपको यह दे दिया गया, ए ऑप्शन में दिया गया तीन, बी ऑप्शन में दिया गया चार, सी ऑप्शन में दिया गया पांच, डी ऑप्शन में दिया गया सात, तब आप क्या करेंगे। अब यहां पर उत्तर क्या लगेगा, और पूछा है दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो यहां पर चूंकि ऑप्शन तीन भी है और ऑप्शन सात भी है, लेकिन पूछा है दीर्घ स्वर कितने होते हैं, बिना कंफ्यूजन पाले हुए, अन्य किताबों का बिना आप पढ़े हुए, जैसे बहुत सारी किताबें लिख दी हैं, इसलिए इस पर मैं विशेष जोर दे रहा हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो आप जो ट्रिक लगाएंगे वह ट्रिक लगाएंगे तीन पर, यानी तीन हमारे क्या होते हैं, दीर्घ स्वर संधि होती हैं। ये तो रहा पहला क्वेश्चन। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, यही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया, दीर्घ स्वर संधि कितने होते हैं, यही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया, और इसमें पूछ, इसमें जो है ऑप्शन जो है इस तीन को हटा दिया, मान लीजिए कि यह ऑप्शन हटा दिया और इसके स्थान पर ए ऑप्शन की जगह दे दिया नौ, या यह दे दिया ग्यारह दे दिया, यहां पर क्या दे दिया, ग्यारह दे दिया, अब तब क्या आंसर हो जाएगा, तब आंसर हो जाएगा दीर्घ स्वर स्वर की संख्या कितनी होती है, सात होती है। यहीं पर क्वेश्चन पूछा गया, मान लीजिए कि एक ऑप्शन और दे दिया गया है, ई ऑप्शन दे दिया गया, या हम इसको डिलीट कर देते हैं, यहां पर ए ऑप्शन है और ए ऑप्शन में तीन ही रखा, और पूछ लिया तीसरा जो क्वेश्चन पूछा वह पूछा संधि स्वर कितने होते हैं। अब यहां पर संधि स्वर कितने होते हैं, तब क्या लगेगा, भले ही तीन ऑप्शन हो लेकिन आपको तीन नहीं लगाना है, तभी भी क्या लगाना है, सात लगाना है, यानी संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है, सात होती है। तो क्वेश्चन का नेचर यह निर्धारित करेगा कि हमारा उत्तर क्या होगा। तो आप इसको कायदे से समझिए
और आशा ये करते हैं कि यह स्वर का जो विभाजन है उच्चारण अवधि के आधार पर या मात्रा के आधार पर आपको समझ में आया होगा। ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। धन्यवाद। जय हिंद।